खबर यूपी के चंदौली जनपद के सावजी पोखरे से है, जहां पर सपाइयों ने सावजी के पोखरे पर सपाइयों संत गाडगे का परिनिर्वाण दिवस मनाया। इस दौरान सपाइयों ने संत गाडगे के विचारधाराओं का वर्णन किया। वहीं सपा के पूर्व विधायक जितेंद्र कुमार एडवोकेट ने बताया कि संत गाडगे के महानता को हम भूल नहीं सकते, जिन्होंने पिछड़े गरीब लोगों के लिए सदैव कार्य किया है। देखिए हमारे संवाददाता सुजीत कुमार की रिपोर्ट। परिचय बताएं अपना। हमारा नाम है राम दुलारी कनौजिया, उत्तर प्रदेश धोबी कल्याण समिति का जिला अध्यक्ष। चंदौली के सावजी के पोखरे पर आज कार्यक्रम है, क्या है ये? बाबा संत गाडगे का परिनिर्वाण दिवस है, आज हम लोग उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं। ये बाबा संत गाडगे जी बहुत बड़े महान संत थे, इनका इतिहास करीब करीब देश के सभी बड़े बड़े नेता या समाज जानता है, देश जानता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री हुआ तो वो भी 1,00,000 टिकट जारी किया, और हमारे जो समाजवादी पार्टी के मुखिया रहे माननीय नेता जी मुलायम सिंह जी, उन्होंने लखनऊ के रतन खड पर 5 एकड़ में इनका जलाशय और पार्क भी बनवाने का काम किया, और माननीय नेता जी ने मुलायम सिंह जी ने इनका जीवनी पाठ पुस्तक में भी जुड़वाया गया है, और वो जूनियर हाई स्कूल में पढ़ाया जाता था। आज चंदौली के सावजी पोखरे में क्या कार्यक्रम रहा? आज महान संत महापुरुष संत गाडगे जी का आज परिनिर्वाण दिवस है, उसीलिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए। बीजेपी का आज जनपद में जन विश्वास यात्रा भी आ रहा है, जो आपके विधानसभा चकिया में भी जा रहा है, और बीजेपी 350 के पार विधानसभा सीट लाने को बोल रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? भाई बीजेपी का तो जो भी कार्यक्रम सब मिलजुला है, फर्जी घोषणा पत्र है, तो उनका कार्यक्रम ऐसे चलता है तो उनकी पार्टी से हमें क्या ले रहा है जी, तो अपने हिसाब चलते हैं। लेकिन हम लोग जाने कि हवा हवाई लोग हैं, इनका जनमत है नहीं यहाँ, जनता तो गाँव गाँव से उनको खदेड़ रही है, तो उनको पूरा के पूरा जनता कोई सम्मान दे नहीं रहे हैं, तो पछता रहे हैं, पूरा जो है लगे हैं कर्मचारियों पर दबाव बना के, अधिकारियों पर किसी तरह अपना जो है कि कोई न कोई अपना उसमें चुनावी एजेंडे के तौर पर अपना कोई न कोई घोषणा फर्जी घोषणा पत्र करना चाहते हैं, लोगों पर प्रलोभन देते हैं कि भाई जनता किसी तरह गुमराह, हम लोगों को मजबूत करिए काम करने, काम करे बीजेपी। लेकिन जनता बहुत जागरूक है, आज देख रहे हैं बड़े पैमाने पर न किसानों का धान खरीदी हो रहा, खाद बीज वगैरह अभी नहीं मिल पा रहा, बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ सारा सा। इस संबंध में हम लोग समाजवादी पार्टी भी यहाँ विपणन खाद विपणन अधिकारी के यहाँ कार्यालय में बताया, DM और अन्य अधिकारियों को बताया कि भाई समय से खरीदी वगैरह हो, हर केंद्र पर अपना निरीक्षण वगैरह करें, माट बाप भी सही सलामत रखे, किसानों को समय से खाद भी मिले। लेकिन सब परेशान, बिजली विभाग वाले ऐसे नाजायज जो है कि बिल थमा दे रहे हैं, जिसका कनेक्शन है उसको वो भी परेशान है, हर तरह शोषण भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर है। पूरा जनता इस समय मन बना चुकी है कि हम लोगों को माननीय अखिलेश जी को लाना है और योगी मोदी से मुक्त करना है इस प्रदेश और देश को, इसलिए पूरा अमन चैन खुशहाली कानून व्यवस्था प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए सर्वांगीण विकास के लिए सारे जनता एकदम मन चीज से अपने तैयार है, दिल दिमाग से तैयार।